नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 का सवाल है क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज हमारे ऑप्शन है टू बाय थ्री ए या फिर टू बाय थ्री ई या फिर ई बाई एट ई बाय फोर या ई बाय टू ई इज़ द टोटल एनर्जी अगेन सिंपल सवाल है बेसिक्स पे जाएगा फिर uh, अपने को ये बात पता है पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हैं टोटल एनर्जी right, uh, जब हम लिखते हैं किसी एस की उसकी लिखते हैं हाफ के ए स्क्वायर ए आपका एम्पलीट्यूड है के उसका आपका एस फैक्टर है सो ये आपकी टोटल एनर्जी आती है और इसी को हम ऐसे भी लिख लेते हैं हाफ के की जगह हम यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख लेते हैं ठीक है तो ये आ जाएगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अलग जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर एक्स आपकी डिस्टेंस है एक्स आपकी लोकेशन है फ्रॉम द मेन पोजिशन ना हो यहाँ पर हमें दिया हुआ है हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बाई टू तो ये हो गया आपका ए बाई टू तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस लोकेशन आ गई हाफ के ए बाई टू का स्क्वायर तो ये हो गया हाफ़ के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर और ये आपकी के ए स्क्वायर टोटल एनर्जी ई दी हुई है सो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई ई बाय फोर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी ए बाय फोर वुड बी द राइट आंसर